सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। टाटा लौटा घर की ओर। एक बार की बात है, टाटा नाम का एक लड़का था। उसकी हमेशा अपने मम्मी पापा से बस एक ही शिकायत रहती थी कि वो उसे कहीं बाहर घुमाने नहीं ले जाते हैं। कुछ दिनों से टाटा का मन पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। वो हमेशा बस बाहर घूमने के सपने देखा करता था। तभी एक दिन अपने मम्मी पापा को बिना बताए टाटा चुपके से अपने घर से निकल जाता है। उसे बाहरी दुनिया जो देखनी थी। चलते चलते टाटा बहुत दूर एक जंगल पहुंचा। अब क्योंकि टाटा के पास खाने को तो कुछ भी नहीं था, तो उसे बहुत जोरों की भूख लगती है और इसकी वजह से वो अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। तभी टाटा को अपनी माँ की याद आई और वो सोचने लगा कि अभी अगर वो घर में होता तो माँ कितना स्वादिष्ट खाना बनाकर खिला रही होती। टाटा अपनी मम्मी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर सामने एक छोटे से घर पर गई। जंगल में घर देखकर वो बहुत खुश हो गया। वो अब बस जल्दी से उस घर पहुंचना चाहता था। जैसे ही टाटा उस घर में पहुंचा, उसने धीरे से उसका दरवाजा खोला। घर के अंदर उसे कोई भी नहीं दिखा। उसने आवाज भी दी लेकिन कोई भी नहीं आया। तभी टाटा की नजर सामने मेज पर गई, जिस पर तीन बोल रखे थे। उन तीन बोल में सूप था। टाटा सूप देखकर बहुत खुश हो गया और पहले वाले बोल में रखे सूप को पीना शुरू किया। लेकिन वो सूप तो बहुत गर्म था, इसलिए टाटा ने उसे नहीं पिया। फिर टाटा दूसरी वाली बोल के पास गया और उसे सूप पीना शुरू किया। लेकिन उसने जैसे ही सूप पिया, सूप उसे बहुत बेकार लगा क्योंकि वो सूप ठंडा था। इसके बाद टाटा तीसरे वाले बोल के पास गया और उस बोल में रखे सूप को पीना शुरू किया। हाँ, ये वाला सूप टाटा को बहुत स्वादिष्ट लगा क्योंकि ये ना तो गर्म था और ना ज्यादा ठंडा था। टाटा ने बहुत जल्दी जल्दी करके पूरा सूप खत्म कर दिया। सूप पीने के बाद टाटा को सोने का मन किया। अब टाटा फिर इधर उधर देखने लगा कि कहीं उसे सोने की जगह मिल जाए। तभी टाटा उस घर के दूसरे कमरे में पहुंचा। वहां पर उसे तीन बेड दिखाई दिए। टाटा सबसे पहले वाले बेड में गया सोने के लिए और जैसे ही टाटा उस बेड पर बैठा, वो तेजी से उठ गया क्योंकि वो बेड बहुत कड़क था। उसके बाद टाटा दूसरे वाले बेड की तरफ गया। वहां पर वो धीरे से बैठता है कि कहीं पहले वाले बेड की तरह ये भी बेड कहीं कड़क ना हो। लेकिन वो जैसे ही बैठता है, वो सीधे बेड के अंदर चला जाता है क्योंकि दूसरा वाला बेड बहुत मुलायम होता है। अब टाटा तीसरे वाले बेड की तरफ जाता है। ये वाला बेड टाटा को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये ना तो ज्यादा कड़क होता है और ना ही ज्यादा मुलायम। उसके बाद टाटा बेड पर लेटता है और सो जाता है। तभी उस घर में तीन भालू आते हैं। तीनों घर की हालत देखकर डर जाते हैं कि पता नहीं कौन उनके घर में आया है। डरते डरते तीनों दूसरे वाले कमरे में जाते हैं जहाँ टाटा सो रहा था। टाटा को देखते ही बीबी भालू अपने डैडी भालू और मम्मी भालू से कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर सोने की? इसने मेरा सूप भी पी लिया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अभी अभी मैं इसको मजा चखाता हूँ। ये अपना घर छोड़कर मेरे घर कैसे आ गया? कौन है ये? और बेबी भालू जोर जोर से ऐसे चिल्ला ही रहा था
कि तभी उसकी आवाज से टाटा की नींद खुल जाती है और वो अपने सामने तीन भालू को देखकर डर जाता है और सीधे दरवाजे की तरफ भागता है। तीनों भालू उसका पीछा करते हैं लेकिन वो वहां से भाग जाता है और सीधे अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर वो जैसे ही अपनी माँ को देखता है बहुत जोर के अपनी माँ को गले लगाता है और माफी मांगता है कि अब से वो कभी भी घर छोड़कर नहीं जाएगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। अगर हमारे मम्मी पापा हमको किसी काम के लिए मना करें, रोकें, तो उस काम को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो हमेशा हमारी भलाई के बारे में ही सोचते हैं। और एक और बात बच्चों, हमें कभी भी अकेले घर से नहीं निकलना चाहिए, समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी, अनवी के साथ।